हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम, दिन थोड़े काफ़ी हो गए हैं, मैंने आपको एक चैप्टर स्टार्ट करवाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो उसके मैंने दो आपको टॉपिक बताए थे असाइनमेंट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम तीन टॉपिक करेंगे। ठीक है, दो तो मैंने आपको बता दिए थे, एक एक्स्ट्रा में और करेंगे, उसको आपको और रिटर्न करना है बुक से। समझाने का काम आप थोड़ा सा देखें, आसान आसान से टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपने ये लिखा था। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा है, दिस इज ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और सेमी इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके दोनों एंड मैंने हटा दिए। ठीक है, इसके अंदर करंट है, वो स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके अंदर क्या है, करंट है। ठीक है, आई। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस है, लेकिन आपके 10th क्लास में ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है कि बस आप इनका क्या बताएं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएं उसे कि किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, अब इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से हमने जोड़ रखा होगा। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल सर्किट है, इससे हमने इसको जोड़ रखा होगा। ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं करता एक्सटर्नल सर्किट की। एक्सटर्नल सर्किट मतलब किसी बैटरी से ही तो करंट आया होगा इस वायर के अंदर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि जब कोई कंडक्टर के अंदर से करंट फैलता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह की होती है, सर्कुलर। ठीक है, और एस्टेड ने क्या बताया था कि जब कोई आयरन फिलिंग्स उसके पास गिरते हैं तो वो आयरन फिलिंग्स किस रूप में स्ट्रक्चर गेन कर लेती है अपना, सर्कुलर। ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कुलर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी कि हम किससे मेजर करेंगे, देखो राइट हैंड थंब रूल, ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से सीखना। आप दो टॉपिक करवाएंगे, देखो पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, अपना राइट हैंड लेना है। ठीक है, थंब जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब रखना है। देखो करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब रखना है। ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, थंब आपने रखा, ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, थंब के बाद ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ठीक है, ये आपको डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। देखो थंब, अब ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, देखो इसमें आप देखोगे ना, तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सर्कुलर है। ये इसका बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसका अंदर वाला पार्ट है, और यहां से कैसे निकलेंगी ये बाहर से, समझ के आ गया। देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, अंदर, और यहां से जब बाहर निकलेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, बाहर। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, राइट एंड थंब रूल क्या होता है, दोबारा सुन लीजिए, इमेजिन करना है कि जो थंब है, ठीक है, वो किसी डायरेक्शन में रखोगे आप, करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये डायरेक्शन मेजर करने का रूल है। तो स्ट्रेट कंडक्टर में आप कौन सा रूल यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट हैंड थंब रूल।
इतनी बात समझ गए, ये तो डायरेक्शन हो गई। अब मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो मैग्नीट्यूड की बात देखो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। मतलब जितना करंट बढ़ेगा ना उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ेगी, करंट को बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी डिस्टेंस के ठीक है। भाई एक फील्ड आप यहाँ पे निकालना चाहते हो और एक फील्ड आप यहाँ पे निकालना चाहते हो ठीक है, तो क्या वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहुँच रही है? आंसर इज नो। जब पहुँच भी रही होंगी तो बहुत कम पहुँच रही होंगी, ऐसे करके बहुत ही कम ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत पास पास है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, दूर दूर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वायर से जितनी दूर आप डिस्टेंस लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही क्या होती जाएगी, कमजोर। इसका मतलब ये है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, धीरे 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 कैसी होने लग जाएगी, वीक। हर बार ऐसा ही होगा, हर बार ठीक है। क्या बताया मैंने, दो चीजें आपको बताई है। स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जब करंट फैलेगा ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब को आपको किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्लिंग फिंगर जहां भी घूमेगी ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है। अगली बात, करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, आप लिख रखा होगा कि जितना करंट होगा ना उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, हर बार होगा ऐसा ठीक है। दूसरी चीज, जितनी आप वायर से डिस्टेंस दूर करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप कम होता चला जाएगा ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह ठीक है। इसी तरह अगला टॉपिक जो आपने लिख रखा है उसको और समझा देता हूँ मैं ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है सेम टू सेम। देखो इसको, फिर भी कोई आपको मन में डाउट लगे ना तो आप मेरे से पूछ लेना ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी। दूसरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। देखो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसको, पहली में स्ट्रेट वायर ऐसी थी ठीक है, अब इस वायर को हमने क्या कर दिया, बेंट कर दिया ठीक है। थोड़ा सा चढ़ा कर मारता हूं इसका, मान लेते हैं अब स्ट्रेट वायर को हमने बेंट करके किसकी फॉर्म में ला दिया, सर्कुलर फॉर्म में ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस ठीक है। बाहर से कोई एक्सटर्नल सर्किट जोड़ रखा होगा ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, यहां पे रियोस्टेट जोड़ रखा होगा ठीक है, इसको कनेक्ट कर रखा होगा। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आता है हमेशा, ध्यान रखना ओके। अगली बात देखिए कि इसमें हम क्या क्या बताएंगे। देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप यहां से देखेंगे तो ये सारी एक स्ट्रेट वायर के रूप में दिखेगी ठीक है, लेकिन इसके लिए जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है ठीक है। आप उसको अगर याद करना चाहें तो याद करने का तरीका नहीं, दूसरा तरीका ये भी है कि जो पहला रूल आपने किया था ना, कौन सा, राइट एंड थंब रूल, उसका उल्टा है। अब की बार आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा ना, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में आपको उंगलियां फिरानी है, घुमानी है, कर्लिंग फिंगर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी डायरेक्शन देगा ठीक है। देखो जैसे अब इस रेडियस पे हमेशा याद रखना आपको, देखो करंट किस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है ठीक है, तो अंगूठा किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आउट। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आउटवर्ड।
अगर करंट ऐसे चलता, ठीक है, तो आप कैसे रखते, ठीक है, हाथ को कैसे रखते ऐसे, तो ऐसे घुमाते तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ चलती, अंदर की तरफ, इनवर्ड। लेकिन ये आपके टेंथ में नहीं है, इस तरह आपको नहीं करने हैं। टेंथ में बकायदा दो रूल बनाए हैं इसको मेजर करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है। वो कौन कौन से रूल है, क्लॉक रूल, वो कौन सा रूल है, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल का मतलब देखो अब क्या है, अगर सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसमें कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं है, तो यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। देखो इसके साथ ये कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ, कैसा पोल बन गया, नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करंट है इस तरह ही, ठीक है, इस तरह, ठीक है, तो ये इसमें बनेगा साउथ पोल, कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल, समझ गए इस बात को। तो ये कोई सर्कुलर कॉइल थी, हमने स्ट्रेट वायर को बेंड करके सर्कल में बनाया, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को चेक करने के लिए दो रूल हमने बना दिए। दो रूल कौन कौन से हैं, एक तो है नॉर्थ पोल का, एक कौन सा है, साउथ पोल का। इन दोनों रूल को हम क्या कहते हैं, क्लॉक रूल, ठीक है। क्लॉक रूल में क्या है, अगर किसी कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। अगर किसी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज है तो उसमें कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, समझ गए ना। तो नॉर्थ पोल का मतलब बाहर की तरफ और साउथ का मतलब अंदर की तरफ, ये चीज अभी हमने देखी थी, ठीक है। अगर ना करना चाहो तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंथ में आप इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब इस कॉइल में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इस कॉइल की, तो देखो इस कॉइल की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब आप उंगलियां फिराएंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, ऐसे बाहर, बाहर का मतलब आप जब इस कंडक्टर में देखेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे, तो मिडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ये, ध्यान रखना, मिडल के अंदर हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। देखो ऐसे आती जाएंगी ना, ऐसे तो ये एक साइड सीधी हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। कहां पे रहेगी यूनिफॉर्म, एट द सेंटर, ठीक है, ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेंटर पे कैसी रहेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब सेंटर पे यूनिफॉर्म है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम भी यही मिलेगी, क्योंकि यहां पे क्राउडेड एरिया मिलेगा आपको, ठीक है। ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप देख लेना। ये क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रहती है सेंटर पे, और इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये है, ये लिपटी हुई होती है, ऐसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे वायर होती है ना, हम देखेंगे कॉपर वायर है, ठीक है, तो वो सिंगल वायर तो ना होती है, उस पर सफ़ेद, मतलब वो सिल्वर कलर का लिपटा हुआ होता है ना कॉपर वायर पे, तो वो वाला है, तो उसके अंदर हम मान लेते हैं एक टर्न्स एन नंबर की है, मतलब एक जो टर्न लिपट रही है ना वो एन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, देखो तो जो बी है वो तो डायरेक्टली पर दोबारा किसके रहेगा, हाई के, करंट जितना होगा ना मैग्नेटिक फील्ड उतना होगा, डिस्टेंस के भी कैसे रहेगी आर के, नंबर ऑफ टर्न्स के और बढ़ जाएगी एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो फिर भी आप कोई भी, आपको एक वर्ड का भी आपको डाउट लगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेंड कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये दो टॉपिक मैं आपको करवा चुका था, ठीक है, ये मतलब आपको लिखवा चुका था, है भी आसानी है। उससे अगला देखो आप, वो समझने लायक टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको, क्या है जो आपको कल कॉपी में करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन है मैग्नेटिक फील्ड,
ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल काम कम है, ठीक है, समझने का काम ही ज्यादा है, मैथमेटिकल काम बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। ये यूनिट बिल्कुल थ्योरेटिकल है यहाँ पे टेंथ में। ओके, सोलेनोइड क्या होता है? सबसे पहली बात तो देखो, दो चीजें आप देख चुके हैं, क्या क्या, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर और एक सर्कुलर कॉइल के अंदर। अब आपके पास तीसरा नाम है, मैग्नेटिक फील्ड आपको देखनी है, किसकी वजह से? सोलेनोइड की वजह से। तो सोलेनोइड क्या होता है पहले तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए आप। सोलेनोइड ठीक है एक इस तरह की स्प्रिंग शेप का होता है, हेलिकल, किस शेप का होता है ये? हेलिक्स शेप का होता है, और इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होती है सर्कुलर। ये देखो कॉइल है ना, ये सारी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसके दोनों एंड ओपन होते हैं, क्या होते हैं? ओपन। इसको हम कहते हैं सोलेनोइड, समझ गए इस बात को। दो चीजें हैं सोलेनोइड में, क्या होती है? एक तो ये हेलिक्स फॉर्म की होती है, हेलिक्स का मतलब एक स्प्रिंग फॉर्म की, स्प्रिंग देखिए ना अपने, स्प्रिंग वही वाली होती है मोस्टली, टाइप हीटर में लगाते हैं ना वो कॉइल होती है ना, ऐसी तो होती है, वो गोल गोल ऐसी होती है, ठीक है, वही एक तरह का सोलेनोइड होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखो पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, ये दो कॉइल ले ली मैंने फर्स्ट, और कैसी ले ली? सेकंड। थोड़ा सा ध्यान समझना इसको, ठीक है, इसमें काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। इसके सेंटर से अब इसके अंदर करंट है, ठीक है, आई करंट है, ठीक है, कैसा है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो इसे सेंटर से ऐसे गई और ऐसे घूम के वापस आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम इसी में ऐसा हुआ, समझ गए। ये दो कॉइल हमने ली थी, लेकिन इन दोनों कॉइल को हमने कुछ डिस्टेंस पर रखा, ठीक है, थोड़ा सा पास लेके आए इसको। देखो थोड़ा सा पास लेके आए तो हमने क्या देखा, देखो ये जब इसके पास आई, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, भाई ये दोनों पास आएंगे ना तो इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसे बाहर से ऐसी, ठीक है, मतलब क्या है, ये जब नीचे आती है ना तो ये ऐसी हो जाती है। अब ये सर्कल हो गया ना पूरा एक तरह का, ठीक है, मतलब ये कट नहीं कर पाती, आगे नहीं जा पाती, ये आगे इसके आगे नहीं जाएंगी, तो इसलिए इसका अपना, इसने अपना रास्ता कैसे बना लिया, यहां से गुजरी और यहां से फिर दोबारा गुजर गई और पूरे में से आगे। देखिए थोड़ा सा क्लोज हमने और किया इसको, बिल्कुल ऐसा इतना, अभी नीचे जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसके बीच में बिल्कुल ऐसे ही आ गया, तो ये कैसे मानती है ऐसे, ऐसे। तो पहले देखो दोबारा समझने की कोशिश करो, पहले क्या था, ये सर्कुलर कॉइल एक के लिए, एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, दूसरी बार जब इनको पास लेके आए तो ये कट नहीं करना चाहती आपस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका पॉइंट बना और ये फिर ऐसी हो गई, थोड़ा सा पास लाइन तो इसको मोड़ने का मौका भी नहीं मिला और ये कैसे चली गई, बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल एक और है, ऐसी कॉइल बहुत सारी है, तो देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी कुछ, मतलब आया होगा कुछ समझ में थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब क्या है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सेंटर से, ठीक है, जहां से भी आप देखोगे सर्कुलर पाथ से, तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलेंगी, बिल्कुल ऐसी पैरेलल यूनिफॉर्म, कैसे चलेंगी, क्योंकि उसमें देखोगे ना तो उसमें थ्योरी दे रखी है, तो उस थ्योरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो शायद आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अंदर से जाएंगे, ठीक है, तो सर्कुलर होंगी ना सारी, अंदर से यूनिफॉर्म,
और जैसे ही इसके बाहर से निकली दोबारा कैसे आ जाएंगी? सर्कुलर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये प्रोसीजर बताइए, सोलेनोइड वाला। पहले दो कॉइल थी, कुछ डिस्टेंस पर रखी थी तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थी। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कम किया तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड होकर चली गई। उसके बाद और क्लोज किया तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म हो गई, सीधी हो गई। तो हर एक कॉइल पास पास है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलेंगी? बिल्कुल सीधी, ठीक है, यूनिफॉर्म ऐसे। और बाहर से जाएंगी तो सर्कुलर फिर हो जाएंगी, फिर यहां पे आके मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक खास तरह की प्रॉपर्टी देखो इसमें क्या बना। देखो लास्ट टाइम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बार मैग्नेट के बारे में बताया था, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताया था कि बार मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? साउथ, और एक कौन सा होता है? नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? साउथ से नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलती है? इनसाइड द मैग्नेट। और नॉर्थ से साउथ कैसे चलती है? आउटसाइड द मैग्नेट। ये थोड़े से लॉजिकल टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, फिर भी किसी को डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लेना है। आसान आसान, लेकिन बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी इसमें, ठीक है? ठीक है। अब ये देखो, यहां से फील्ड लाइन इसके अंदर से यूनिफॉर्म चल रही है, इसके अंदर से भी ऐसी चल रही थी, सारी यूनिफॉर्म था ये, और ये बाहर से इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो सोलेनोइड का ये कौन सा पोल हो गया? साउथ। और ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। हो गया? नहीं। देखो देखो, इस कॉइल के पास कौन सा पोल होगा? साउथ, क्योंकि यहां से अंदर से चल रही है। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से कहां से चल रही है? बाहर से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट के अंदर भी हम क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं कि इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो मैग्नेट होता है, ठीक है, मतलब सोलेनोइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार पेपर पूछे जाते हैं। सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जो सोलेनोइड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? इसका डायग्राम ऐसा ही है, इसके नीचे एक डायग्राम, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन डायग्राम यही मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके नीचे एक सर्किट जोड़ रखा है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं बताओ पहले? सोलेनोइड का केस कि जब इस तरह की स्प्रिंग हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह फैलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कैसी रहेंगी, बाहर कैसी रहेंगी, और किस तरह ये मैग्नेट के रूप में बिहेव करेगा। इतना काम समझ गए? एक छोटी सी चीज और अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको करनी है। आपने लिख रखे ये टॉपिक तो ये नहीं लिख रखा, इसको आप बुक से देख देख के लिखेंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे और एक एक वर्ड मेरे से पूछेंगे एनसीईआरटी से कि इस वर्ड का मतलब क्या है, अगर नहीं आएगा तो आपको। बाकी है आसान। अब एक चीज और देखो इसमें, तो हमें ये पता चल गया कि सोलेनोइड एक तरह से किसको बिहेव करता है? मैग्नेट को, ठीक है। मैग्नेट का मतलब सोलेनोइड के पास अगर आपने लोहे का टुकड़ा रख दिया तो इसको क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट की प्रॉपर्टी यही तो कहती है, अट्रैक्ट करना। ओके देखो, अब देखो, मान लेते हैं आप किसी सोलेनोइड के अंदर आयरन इंसर्ट करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। थोड़ा सा देखना आप एक बार अच्छी तरह से, ठीक है, या सिर्फ आयरन लगा लो पहले। जब आप किसी भी सोलेनोइड के अंदर आयरन, आयरन का एक टुकड़ा इंसर्ट करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे उसके मैग्नेटिज्म पे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे उसके मैग्नेटिज्म पे क्या फर्क पड़ता है? तो उसका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? दोबारा सुने, इसके अंदर जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी थी? ऐसी यूनिफॉर्म, ठीक है।
आयरन भी एक तरह का क्या है, उसके अंदर भी एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या है, आयरन के अंदर भाई एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उनके कारण इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो करंट बनाएंगे, करंट बनाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भी इनकी डायरेक्शन में जाते हैं। इसका रीजन है, ठीक है, मतलब क्या है, दोबारा सुन लो एक बार फिर। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है, ऐसी अंदर से ऐसी रहती है, ठीक है, एक तरफ होती है, सभी की यूनिफॉर्म होती है ना, ऐसे अभी दिखाई थी। आयरन के अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसको सोलेनोइड के अंदर डालते हैं ना, तो जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी साइड वो हो जाती है, ठीक है, उसी साइड वो हो जाती है, तो कोई भी मैग्नेट है उसको ये अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह के होते हैं, आपके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा ये, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। दोनों को समझने की कोशिश कीजिए एक बार, टेम्परेरी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। टेम्परेरी में हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, और परमानेंट में हम यूज करते हैं बेसिक सा स्टील का। क्यों करते हैं बताएंगे अभी, देखो मान लेते हैं आपने इसमें करंट दिया, इंक्रीज किया करंट, और एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी इसमें, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर के पीसेस डाल दिए, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, कोई भी चीज़ है उसको खाने के काम आता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। क्रेन, क्रेन का नाम आपने सुना है, तो क्रेन क्या काम करती है, उसमें ऐसा ही कुछ होता है, एक मैग्नेट लगा होता है, वो इसको यहाँ से ऐसे उठाती है, उठाती है ना, ठीक है, और वहाँ ले जाके क्या कर देती है उसको, जहाँ पे उसको जाना होता है, जैसे किसी शोरूम में जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, किसी भी सामान को वहाँ जाओ उठा के क्या कर देती है, उसको छोड़ देती है। क्या मतलब उसका, उसका मतलब ये है कि जब क्रेन किसी भी चीज़ को उठाती है तो उसके करंट को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, मतलब करंट को क्या कर देते हैं, ऑन, और मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, ऑन, तो ये इसको खींच लेता है, चिपक जाता है इससे, ठीक है। जब इसको उतारना हो तो क्या करें हम, तो इसको उतारते हैं तो हम करंट को क्या कर देते हैं, ऑफ, ऐसे कारण मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाता है, ऑफ, ठीक है, करंट ऑन तो मैग्नेटिज्म ऑन, करंट ऑफ तो मैग्नेटिज्म ऑफ। इसका मतलब ये है कि दिस इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी का मतलब हम इसको टेम्परेरी रूप में यूज कर सकते हैं, कि जब इसको पकड़ना हो तो उठा लेंगे, जिसको छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हैं, किसके कारण, करंट के कारण। अगर करंट ऑन रहेगा तो मैग्नेटिज्म ऑन रहेगा, करंट ऑफ रहेगा तो मैग्नेटिज्म ऑफ रहेगा। इस कारण एग्जांपल क्या है, क्रेन, समझ गए ना, क्रेन से जो भी चीज़ें उठाते हैं उसमें कुछ ऐसा ही करते हैं। परमानेंट मैग्नेट देखो, परमानेंट मैग्नेट में जब करंट ऑन करते हैं और इसके अंदर स्टील डालते हैं हम, तो स्टील के अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, आयरन के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। मतलब क्या है, जब आयरन को हम डालते हैं ना तो करंट ऑन करते हैं तो मैग्नेटिज्म उसका ऑन हो जाता है, और करंट को ऑफ कर देते हैं ना तो आयरन का मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाता है, फिर आयरन काम करना बंद कर देता है, अपना वैसे ही रूप में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप करंट बढ़ाते रहेंगे तो स्टार्टिंग में स्टील के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के एक डायरेक्शन के साथ नहीं आएंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इसके अंदर ऐसी होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन के साथ वो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम्स हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के साथ ऐसे आ जाते हैं, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। फिर स्टेज एक ऐसी आती है कि जब आप करंट को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ये स्टील की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे ही रहती है हमेशा, वो ख़त्म नहीं होती, फिर वो अपनी वापस रूप में नहीं जा सकती,
इसको पहले तो बहुत मुश्किल से लेके आ जाता है करंट को इंक्रीज कर करके, और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है तो उसको फिर हम क्या नहीं कर सकते, वापस उसमें नहीं ला सकते। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब करंट ऑन होएगा तो मैग्नेटिज्म क्या रहेगा, ऑन, और करंट जब ऑफ होएगा तो भी मैग्नेटिज्म क्या रहेगा, ऑन। तो जो भी स्पीकर सिस्टम आते हैं साउंड वाले, उसमें हम किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। आपने देखा होगा स्पीकर सिस्टम में, देखा ना। और इसके अंदर क्रेन हो गया, और बता देते हैं आपको डोरबेल हो गई, देखी होगी ना, एक बार ट्रिन करते हैं तो ट्रिन बज जाती है, छोड़ते ही हट जाती है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रो टेम्परेरी मैग्नेट। तो क्या ये आपको कुछ कुछ समझ में, थ्योरेटिकल सा पार्ट था, तो मेरे ख्याल से आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार मैं लास्ट में रिव्यू दे देता हूँ इसको दोबारा, तीन टॉपिक हमने किए, दो टॉपिक आपको समझ में आ गए, तीसरा इसमें बता देता हूँ आपको। सोलेनोइड क्या होता है, एक हेलिक्स शेप होती है, स्प्रिंग टाइप शेप होती है, जिसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म रहती है और बाहर आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड से चलती है। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, दिस इज मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेट को खींचने की ताकत रखता है, किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी कारण, क्योंकि हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो प्रकार हमने देखे, टेम्परेरी मैग्नेट और कौन सा, परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का। तो सॉफ्ट आयरन कोर की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम करंट ऑन करेंगे तो उसके फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी सेम सोलनॉइड की डायरेक्शन में, लेकिन जब करंट को ऑफ कर देंगे तो वो अपने रूप में दोबारा आ जाएगा। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, क्रेन में, बैल में, इलेक्ट्रिक बैल जो भी होती है। परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं, जिसमें हम स्टील का यूज करते हैं। स्टील का यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि स्टील को जब हम लगाते हैं तो करंट इंक्रीज करते करते एक टाइम स्टील के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोलनॉइड की डायरेक्शन के साथ हो जाती है, लेकिन जब हम करंट को ऑफ करते हैं तो वो वापस नहीं आ पाती है, वो ऐसी रह जाती है सेम टू सेम, तो मैग्नेटिज्म उसका ऑन ही रह जाता है। परमानेंट के लिए उसका क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म ऑन। तो इस तरह के मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, परमानेंट, कि भाई उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हुआ। इसका मैग्नेटिज्म क्या हुआ है, खत्म, तो टेम्परेरी। ओके, समझ गए हो गए, इसको अच्छी तरह लिखना आप, ठीक है, सभी को लिखने हैं ये, और जो डाउट हो मेरे से पूछना आप इन तीनों टॉपिक से। गुड बाय।